हेलो एवरीवन, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ ही। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे ससुराल का फुल डे रूटीन, और यहाँ पे जो हमने हमारा नया घर बनाया उसमें पीओपी और जो कलर पुट्टी होती है उसका काम चल रहा है। तो ऊपर के पोर्शन का हॉल है जहाँ पे पीओपी एक साइड में हो गई है और दूसरे साइड में अभी चल रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपके साथ में जो इंस्टाग्राम की आईडी है मैं शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे नीचे बच्चे हैं वो खेल रहे थे, इसमें मिहिर है और साथ में जो मेरी छोटे वाले ननद है उनकी बेटी है, ये दोनों फुटबॉल से खेल रहे थे। तो एक मैंने थोड़ी सी इनकी वीडियो बनाई थी, तो आप लोग ये वीडियो पूरा इंजॉय कीजिए। चलो चलो चलो, ये हमारे वहाँ पर झांकी निकली थी और हनुमान जी के जन्मोत्सव पर। तो यहाँ पर जो रवि है वो बच्चों को दिखाने लेके गए थे झांकी, तो यहाँ पे बच्चे भी देख रहे थे साथ में। और ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए मैंने शेयर की है ताकि आपको पता चले हमारी तरफ जो झांकी है वो कैसे निकलती है और हनुमान जी का जन्मोत्सव। चलते हैं डायरेक्ट डिनर के टाइम पर। और यहाँ पे जो है किचन में भी काम चल रहा था, तो किचन का जो गैस वगैरह है, खाने का जो सामान है, वो हमने बाहर निकाल रखा था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू की देसी स्टाइल में सब्जी लस्सी डालकर। तो यहाँ पे मैंने एक ओनियन कट कर ली थी और साथ में इसमें लहसुन कट कर लिया है। लहसुन इसमें बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे इसमें। ये भी एकदम सिंपल सब्जी बनती है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ मसाले वगैरह नहीं डालते और ये बड़ी टेस्टी बनती है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने जो लहसुन है उनको छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया था, उनको भी प्याज के साथ अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो आलू हैं वो मैंने पहले बॉईल करके छील के साइड में रख दिए थे, और साइड वाली जो गैस है उस पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था। और साथ में मैं यहाँ पर जो है आटा भी लगा लिया था रोटियों के लिए,
और पीछे ये देखिए बच्चे मस्ती कर रहे थे, डांस कर रहे थे। और यहाँ पर काम चल रहा है इसलिए पूरा घर बिखरा हुआ है, और ये बच्चे खूब डांस करके यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे वापस से मैं आपके साथ जो रेसिपी है वो आगे की शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो उबले हुए आलू हैं उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है चमचे की मदद से, जिससे हम इसमें मैंने जो हमारे नॉर्मल मसाले हैं हल्दी मिर्च और धनिया वो मैंने प्याज के साथ इसमें भून लिया था, और वो छोटी सी एक क्लिप है वो मिस हो गई है मेरी, तो वो मैं ऐड नहीं कर पाई। तो जैसे आपका प्याज लहसुन भूंदे उसके बाद आप जो आपके बेसिक मसाले हैं वो आप इसमें डाल के उनको सेक लें, और उसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे मैश करके अच्छे से, और इनको भी थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो हमारी लस्सी है वो ऐड करेंगे इसमें, ये दिन की लस्सी थी तो ये थोड़ी सब्जी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है, तो ये लस्सी दिन की थी तो थोड़ी खट्टी हो गई थी। अगर आपके पास ताज़ा लस्सी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये सब्ज़ी अच्छी बनती है और ये सब्ज़ी हमें बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके बाद जो हम लस्सी है वो इसमें ऐड कर देंगे, और जब हम इसको सब्जी को है लगातार चलाते रहेंगे तब तक जो सब्जी है उसमें बॉईल ना आ जाए, और लस्सी को धीरे धीरे ऐड करेंगे हम इसमें, क्योंकि अगर लस्सी को हम चलाएंगे नहीं तो वो पूरी सब्जी वो फट जाएगी। तो हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, जैसे हम कढ़ी बनाते हैं जब तक कढ़ी में एक बॉईल नहीं आ जाता हम उसको चलाते रहते हैं, वैसे ही सेम हम इसको चलाते रहेंगे इसमें तब तक एक अच्छा सा बॉईल ना आ जाए। और इसमें बॉईल आ जाने के बाद आप इसमें जो नमक है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मेरे वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर देखिए सब्जी में एक अच्छा सा बॉईल आ गया है, तो अब इसको हम ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, इसको हम 5 से 6 मिनट तक ही हम इसको कुक करेंगे। और आपके पास अगर हरा धनिया हो तो आप ढेर सारे इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, बड़ी अच्छी लगती है हरे धनिया के साथ ये सब्ज़ी। और जैसे मैंने बताया था कि मैंने आटा पहले लगा लिया था, तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाने लग गई थी, और यहाँ पे मैं नीचे बैठ कर ही रोटियाँ बना रही हूँ क्योंकि गैस का जो नीचे रखा हुआ है पूरा किचन का सामान, और यहाँ पे मैं जो रोटियाँ है वो बनाते जा रही हूँ, और साथ में यहाँ पे जिन जिन को रोटियाँ खानी है उनको डाल के मैं खाना डाल के मैं दे रही हूँ ताकि वो पास में बैठ के गरम गरम खाते जाएँ और मैं यहाँ पे बनाते जाऊँ। तो सबसे पहले पापा जी है उन्होंने खाना खा लिया था, उसके बाद यहाँ पे मीर है वो मेरे पास आके यहाँ पे लेट के खेलने लग गया था, पूरा दिन ये मिट्टी में घूमता रहता था, पूरा मिट्टी का होके रखता था यहाँ पे, देखो एक छोटी सी कार है उसके साथ लेके खेल रहा है। और पापा जी के खाना खाने के बाद यहाँ पे मैंने बच्चों का खाना डाल दिया था, तो यहाँ पे जियान सपना खाना खा रहा है और रवि है वो मीर को खाना खिला रहे हैं, और ये हमारे चाचा जी हैं वो रवि से बात करने के लिए आए थे तो वो भी यहीं बैठ गए थे, तो वो उनसे बात कर रहे थे, कुछ काम था उनको। और बच्चों ने सब ने खाना खाने के बाद मीर वहीं सो गया, और उसके बाद मम्मी और रवि ने भी वहीं बैठ के खाना खाया, और इनके खाना खाने के बाद मैंने भी अपना खाना खाया।